अपने अब्बू की बात नहीं करती, अब्बू का जिक्र नहीं करती, क्योंकि मेरी जिंदगी में अल्लामिक वेलकम बैक टू माई चैनल ओमिना। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो बस थोड़ी सी कुछ बातें करनी थी आज आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जो कि मैं नहीं इग्नोर कर पा रही थी। और कुछ चीज़ें नहीं भी ज़िंदगी में जो है ना इग्नोर होती हैं इंसान की। बहुत कोशिश करती हूँ कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं तो उसको इग्नोर करूँ। मैं सभी को नहीं बोलूँगी इसमें, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि तुम इस तरह से रोती हो और ड्रामे करती हो, तुम यूट्यूबर्स ड्रामेबाज हो, ये वो। तो देखो कोई भी इंसान, दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन खैर अपने बारे में बात करूँगी कि मैंने आज तक यूट्यूब पे कोई ड्रामेबाजी नहीं की। मेरा दिल बहुत साफ है, मैं सबके साथ बहुत सिंसियर हूँ, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ और अच्छे से मिलती जुलती हूँ। तो भाभी लोग कल आए थे मेरा पता करने, और बस इसलिए थोड़ा मेरा काफ़ी मूड भी अच्छा हुआ, बाहर भी गई उनके साथ। तो सब कह रहे थे कि तुम ड्रामे कर रही हो, कल लेटी हुई थी फ़ौरन से उठ गई, ये वो। तो जाहिर सी बात है यार, ठीक है मैं उस दिन बीमार तो बहुत थी, बहुत बीमार थी, मुझे पता मैं किस तकलीफ़ में किस अजियत में थी, लेकिन शुक्र है खुदा का मैं बहुत बेहतर हूँ। क्योंकि मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो दर्द, मैं इतना रो रही थी। तो फिर मामी लोग आए थे, उनके साथ ही मैं हॉस्पिटल गई थी। तो उसके बाद जब नेक्स्ट डे सोनिया भाभी लोग आए, तो फिर ये है कि हम लोग, मेरा प्लान था कि हम चलते हैं बाहर थोड़ा सा, मेरा मूड भी ठीक हो जाए। जैसे इंसान थोड़ा हंसता बोलता है बाहर निकल कर, उसका माइंड फ्रेश होता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ इसी रूम तक ही है। मैं पूरा दिन अपने रूम में ही होती हूँ, मैं नहीं बाहर निकलती, क्योंकि जब अम्मी थी तो मतलब उन्होंने मुझे उठना, आवाज़ देने की, मतलब मेरी माँ मुझे प्यार से राजा बोलती थी, तो उठ के आवाज़ देना कि राजा आ जाओ, उठो नाश्ता कर लो, मैंने नाश्ता बना लिया, क्योंकि मेरी मम्मा की बहुत लाडली थी बहुत ज़्यादा, और अभी भी हूँ। मेरी माँ बेशक मर भी गई है ना, लेकिन मरने के बाद भी मुझे ये उदास नहीं देखती, किसी चीज़ से परेशान नहीं देखती। और लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे, मतलब अपनी फैमिली में भी कहते हैं कि मतलब नहीं कब्र पे जाया करो, और मतलब ना मरने के बाद कोई भी आपका सगा नहीं रहता, ये वो। लेकिन मैं कहती हूँ कि माँ एक ऐसी है ना, माँ मैं कहती हूँ जितनी भी बुरी होगी ना, एक बात है, जितनी भी बुरी औरत होगी लेकिन वो अपनी औलाद तक कभी बुरा नहीं चाहेगी, ना जिंदा होते हुए ना मरने के बाद, ठीक है। तो भी परसों की बात है कि मतलब मेरी मम्मा मुझे मिली ख्वाब में, कि मैं चर्च गई थी दुआ करने के लिए। तो जब मैं चर्च से निकली तो मतलब मम्मा मुझे पीछे से आवाज़ लगा रही है कि अकेली नहीं जा, मेरे साथ चल, तो मेरे साथ चल। तो मुझे पता नहीं माँ मुझे कितना याद करती है, कितना प्यार करती है, मैं अपनी मम्मा को कितना याद करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। और सब कहते हैं कि तुम अब हमेशा अपनी अम्मी की बात करती हो, अपने अब्बू की बात नहीं करती, अब्बू का जिक्र नहीं करती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, मेरी जो की है मेरी माँ ने की है। अगर आज मैं जिंदा हूँ या बैठी हूँ तो अपनी मम्मा की वजह से, क्योंकि मेरी मम्मा ने ज़िंदगी में बहुत सेक्रीफाइस किए, बहुत ज़्यादा। मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजारना हर औरत के लिए मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन मेरी मम्मा ने एक मर्द के बगैर ज़िंदगी गुजार के दिखाई मेरे सर पे। मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा शौहर है, ऐसे बोलती थी, क्योंकि मम्मा का जो है ना बस सेपरेशन हो गया था डैड से, ठीक है। तो उसके बाद मम्मा ने बस अपने सर पे ही ज़िंदगी गुजारी मेरे सर मेरे साथ। तो मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, बट सब लोग यहाँ पूछते हैं, इसी वजह से ये बात कर रही हूँ। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि इतनी ज़्यादा अपनी फैमिली को लेके इस तरह की बातें करूँ, क्योंकि एक औरत का इस तरह से अकेले ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मेरी मम्मा ने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ाने में, लिखाने में, मुझे एक अच्छी तरबियत देने में, किसी से मिलने जुलने में, क्या मैं किसी से भी, मैं जो है ना मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ प्यार मांगती हूँ बस, मुझे और कुछ भी किसी से नहीं चाहिए, चाहे वो आप लोग भी हो, चाहे वो मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा शख्स भी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार मांगती हूँ, मुझे उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और वैसे इंसान की ज़िंदगी में इतनी टेंशन होती हैं, पता नहीं कुछ घर को लेके हो सकती है, कुछ पर्सनल लाइफ को लेके हो सकती हैं, तो कभी भी किसी इंसान को जो है ना मैं एकदम से ऐसे जज नहीं कर लेना चाहिए कि मतलब वो ज़रा सा खुश हो गया है या ज़रा सा उसने ग्रूम कर लिया है
तो जो है ना है उसने क्यों कर लिया है, अभी तो बीमार था, अभी ऐसे था बस। लेकिन नहीं, किसी को भी कुछ भी जज करने से पहले एक बार उसके बारे में हमें सोच लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल जो है ना, मैं मतलब अकेली ना, जैसे मेरी सिस्टर भी है, सत्तर भी है, मेरी कजन सिस्टर है, तो उसको भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं उसको भी इतना परेशान नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी दिन में बहुत काम होते हैं, घर पे भी और चीज़ें लुक आफ्टर भी करना है, तो इस वजह से। तो बाकी यही बोलना था मुझे यार कि मतलब मैं बहुत हर्ट होती हूँ उस टाइम कमेंट से, बहुत ज़्यादा। मैं कितना अवॉइड करूँ, मुझसे नहीं अवॉइड होता। लेकिन मैं सबको नहीं बोलूँगी, बहुत सारे लोग अच्छे भी कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग साथ देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और क्योंकि कल भी मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, मम्मी अच्छा तुम बाहर निकली, थोड़ा मतलब थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ ये वो। और मुझे एक्चुअली नेहा आई थी अपने घर पे लेके जाने के लिए, चल मेरे घर जो सूप वगैरह बना कर देती हूँ, थोड़ा बैठते हैं, बातें बातें करते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं गई उधर थी, लेकिन फिर भाभी की कॉल आ गई कि वो आ रही है, तो फिर इसलिए मैं घर आ गई। और मुझे बहुत खुशी भी, इतनी दूर से भाभी आई थी मिलने के लिए, तो इसीलिए मेरा ही प्लान था कि हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं, आउटिंग करते हैं। और तब थोड़ा सा इंसान बाहर निकलता तो थोड़ा मतलब हवा चेंज होती है, उसका माइंड फ्रेश होता है, बस यही चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। बाकी मेरी ज़िंदगी तो अभी तक सिर्फ यही है, ये कमरा, बस सिर्फ ये रूम होता है और मैं होती हूँ, बस यही ज़िंदगी है अभी तक। और यहाँ ये यूट्यूब है, आगे जो खुदा की मर्ज़ी। क्योंकि ज़िंदगी में इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं मिलता तो वही है जो खुदा की मर्जी होती है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करने लगती हूँ ना, तो मैं अपना फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा पे छोड़ती हूँ कि वो आगे अच्छा करे। तो आई होप आप लोग को मेरी किस कोई बात बुरी नहीं लगी होगी, बस ये छोटी सी दो चार बातें थी जो मुझे करनी थी। तो क्योंकि मुझे हर रोज़ तो जो है ना, मैं क्लियर नहीं करने बैठ सकती यहाँ पे कि क्या बात है क्या नहीं है। तो बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। बाकी ये है कि यार घर इंशाल्लाह मैं इसी महीने मैंने स्टार्ट करना है, और क्योंकि मैंने बहुत अपनी मेहनत से पैसे ये जोड़े हुए हैं, मेरी कमेटियों के हैं, तो मैं सबसे पहले यही चाहती हूँ कि पहले अपना घर बना लूँ। मेरा सलोन बने ना बने, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ मैं अपना घर अच्छा बना लूँ, वैसे कि मेरी मम्मा ने सब बनाया, बस उसके बाद मैं इस घर को थोड़ा स्टार्ट करना, थोड़ा रेनोवेट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो स्टार्ट करना है इंशाल्लाह बस एक हफ्ते बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, 15 तारीख के बाद मैं स्टार्ट करूँगी। तो आप सभी ने दुआ में रखना है कि सब काम अच्छा अच्छा हो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।